हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मेडी न्यूज। तो गाइस, आजकल डोरेमोन सबका फेवरेट है, मेरे तो सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो आज हम बात करेंगे डोरेमोन की अपकमिंग नई मूवी के बारे में और दो पुरानी मूवी के अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो फाइनली 2017 में रिलीज हुई मूवी 4 मार्च को डोरेमोन द एडवेंचर अंटार्कटिका मूवी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी चली, जो कि जापानीज बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई थी और जापानीज लैंग्वेज में। तो फाइनली बात करें तो इंडिया में तक कोई अपडेट नहीं आया और इंडिया में ये हिंदी में कब डब होगी और कब रिलीज होगी इसका भी कोई अपडेट नहीं है। बात करें 2018 की इस साल रिलीज हुई मूवी डोरेमोन द ट्रेजर आइसलैंड, इसका भी कोई अपडेट नहीं आया और ये रिलीज हुई थी मूवी 3 मार्च को 2018 में। तो फाइनली ये थे वो अपडेट। और बात करते हैं डोरेमोन की नई अपकमिंग मूवी, जिसका टाइटल रिलीजिंग डेट रिवील कर दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैपनीज टाइटल के बारे में, जो कि इंग्लिश में है डोरेमोन नो विद द क्रॉनिकल ऑफ द मून एक्सप्लोरेशन। अब इसका हिंदी नेम क्या है वो तो अभी तो कोई रिवील नहीं करा गया है, पर फाइनली ये मूवी रिलीज हो रही है 1 मार्च 2019 को, यानी कि अगले साल। तो इस मूवी का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जैसा कि आप रिसेंट में देख रहे हो और जो मेरे थंबनेल में लगा हुआ है। तो इसकी स्टोरी बेस काफी अच्छा है। तो इसका स्टोरी बेस जो रखा गया है वो है साइंस फिक्शन के ऊपर, जिसमें कि जो आदमी सबसे पहले चांद पर जाता है और देन उसके संग क्या दुर्घटना घटती है, और इसमें थोड़ा साइंस फिक्शन एनिमेशन मिला के और खुद का जो कंटेंट है डोरेमोन का ऑफिशियली गैजेट के साथ, वो सब चीज मिलाकर इस मूवी को बनाया गया है। तो स्टोरी की काफी अच्छी लग रही है और देन इन फ्यूचर देखते हैं कि जब ये मूवी रिलीज होगी तो हमें क्या देखने को मिलता है, और इसका हिंदी अपडेट जैसे ही आएगा तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो कैसा लगा अपडेट? तो गाइस, अगर आप ये वीडियो YouTube या Facebook पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पेज को लाइक करना ना भूलें। और आपको वीडियो ये रियली में पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उसमें शूनियों के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत माना। बाय बाय, जा रहा हूं।